किसी ने क्या खूब कहा है, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगा दो तो नमन, और पीछे लगा दो तो मनन हो जाता है। और जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का समन अपने आप होता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प, बिना कोई भटकाव या अविश्वास से अगर आप प्रयास करते हैं तो अवश्य मिलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है सच्चा मन। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगिक क्रिया करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हट को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुमको दर्शन देने आया हूं। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूं जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया, जो कि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा, जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते तो है, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूं लेकिन संत को नहीं। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम किसी अपने लक्ष्य या सपने को पाने के लिए दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, बिना भटकाव अविश्वास के अगर हम प्रयास करते हैं तो लक्ष्य क्या भगवान भी प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने कहा है कि इस तरीके से अगर करोगे तो लक्ष्य भी मिलेगा और मैं उसमें आपकी सहायता भी करूँगा। इसलिए आप प्रयास करते रहिए ईमानदारी के साथ, अविश्वास के साथ, विश्वास दृढ़ के साथ करें। अब विश्वास अपने मन में न लाएं, तभी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।